नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सेहत चैनल में आपका फिर से एक बार मन मन से स्वागत है। तो अभी चल रहे हैं नवरात्रि के दिन, आप सबको नवरात्रि की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं प्रे करती हूँ कि माता रानी जो है सारे सबके जो भी विशेष है वो सारे सब फुलफिल करें। तो चलिए जानते हैं आज का थर्सडे वाला स्पेशल एक्सपीरियंस। तो लास्ट ईयर की बात है, एज यूजुअल हर वीडियोस में आपको पता है कि यू नो लास्ट ईयर के बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए, क्योंकि लास्ट ईयर ही जो है मैं डिबूटी बनी थी और साईं बाबा को यू नो फॉलो करने लग गई थी। तो लास्ट ईयर में ऐसे हुआ था कि मेरे हस्बैंड को जो है वो आउट ऑफ इंडिया जाना था, और जिस दिन वो जा रहे थे तो वो जून का महीना था और उस दिन जो है वो थर्सडे भी था और दूसरी बात जो है चतुर्थी भी थी उस दिन, ठीक है। और उसके बाद अक्टूबर की बात है, ठीक है, चार पांच महीने चले गए। अब वो वहां पे ना पढ़ाई करने गए थे तो ऐसा लगता है कि मतलब यू नो थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए, थोड़ा और नॉलेज होना चाहिए वगैरह ये वो। तो वो हांगकांग में थे और वहां पे पढ़ाई करते करते जो है काफी बच्चे जो है आप जानते होंगे तो मतलब इंटर्नशिप वगैरह भी करते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी जो है वो ट्राई कर रहे थे इंटर्नशिप के लिए, तो वो अपने खुद के ही प्रॉपरली प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे थे और कंपनी को जो है मतलब कनेक्ट कर रहे थे, सारे सभी वहां पे लोगों को मिल रहे थे, देख रहे थे। और हम सबकी विश थी कि हाँ मतलब अच्छा हो जाएगा कि पढ़ाई करते करते यू नो इंटर्नशिप मिल जाएगी तो थोड़ा सपोर्ट भी हो जाएगा और मेन मतलब जो है काफी सारा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हम सब जानते हैं कि कहीं पे भी हम काम करते हैं तो एक्सपीरियंस कितना ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात थी और हम लोग जो है मतलब काफी ट्राई कर रहे थे कि हो जाए कहीं पे अच्छी जगह पे हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो वही सारा सब कुछ चल रहा था और आप तो जैसे ही जानते ही है कि मतलब साईं बाबा की मैं डिवोटी हूँ वगैरह, तो मेरी पूजा अर्चा साईं सच्चरित्र पढ़ना ये वो, उनको प्रे करना, रोज उनको याद करना वगैरह, ये सारी सभी चीजें चल रही थी। तो उस रात क्या हुआ ना, मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई और फिर हम लोगों ने डिस्कस करा कि अच्छा ऐसे से है, इंटर्नशिप करना है ये वो, तो ठीक है देखते हैं अभी। उन्होंने जो है अप्लाई करके रखा था बट अभी तक जो है मतलब कोई कॉल नहीं आ रहा था, कुछ हो नहीं रहा था वगैरह। तो हमने बोला ठीक है, पेशेंस रखते हैं, अच्छी चीजें जो है वो टाइम लेती है तो सारा सब कुछ अच्छे से प्रॉपरली हो जाएगा, तो हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, फिर आगे देखते हैं बाबा की मर्जी, जहाँ पे जैसे होगी तो वहां पे प्रॉपरली सारा सब कुछ सही टाइम पे हो ही जाएगा। तो कुछ हम लोग वेट कर रहे थे वगैरह ये वो। और फिर उसी बीच ना मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको पता नहीं है स्टोरी तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि चैनल जो है मैंने कैसे स्टार्ट करी। तो पहले दूसरी चैनल्स देख के वगैरह मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब मैं भी जो है अपने साईं बाबा के एक्सपीरियंस जो है दूसरी चैनल के माध्यम से यू नो शेयर करूं। फिर उसी दिन अचानक मतलब साईं बाबा की फ्रेम मेरे सामने थी और अचानक ही मेरे माइंड में आया कि अरे यार मेरे इतने सारे एक्सपीरियंसेस है, कितने बताऊंगी और कितने शेयर करूंगी आप सब लोगों के साथ ना किसी और के माध्यम से। तो फिर तभी एकदम जो है मुझे लगता है कि साईं बाबा ने वो इंडिकेशन दिया था वगैरह, वो एकदम फ्रेम में देख रही थी उनकी फोटो थी कि नहीं तुम्हें अपनी खुद की चैनल ओपन करनी चाहिए एंड ऑल दैट। तो इस तरह से जो है वो ओपन हुई। लेकिन चैनल ओपन करने का मेरा एक ये था कंडीशन कि मतलब जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ बैठ के ही हम लोग प्रॉपर थोड़ा सा और जान के सोच के समझ के यू नो ओपन करेंगे। तो उस बारे में हम दोनों की बात वगैरह हो गई थी, ठीक है। तो ये दोनों अभी कहानियां लिंक्ड है इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो ऐसे ऐसे बात हुई थी वगैरह। और फिर ना उसके बाद सेकेंड डे जो है मेरे हस्बैंड का फोन आया। तो उस दिन भी अभी आप देखिए कि थर्सडे ही था, अक्टूबर के महीने वाला थर्सडे, और डेट मुझे याद नहीं है, मैंने लिखी है हालांकि बट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट। और उस दिन भी चतुर्थी थी, तो अभी ये कोइंसिडेंस देखिए, मतलब थर्सडे भी था और चतुर्थी भी थी। और फिर उसके बाद कुछ नहीं, एज यूजुअल फिर हम लोग की बात हुई तो मेरे हस्बैंड थोड़े मतलब टेंस्ड ही थे, अरे काफी दिन हो गए, एक्सपेक्टेड था अभी तक नहीं आया ये वो ऐसे वैसे। तो एज यूजुअल मतलब मैं उनको समझाने लगी ठीक है हो जाएगा बराबर ये वो ऐसा वैसा। और उसके बाद ना तो वो बोले ठीक है देखते हैं मतलब क्या होगा क्या नहीं, तो वेट करते हैं वगैरह। फिर उसके बाद अचानक ही मतलब हम लोग की ये YouTube के चैनल की बात हो गई थी, ये डेज मैच कर रहे थे, मतलब थर्सडे भी था चतुर्थी भी थी, मेरा फास्ट होता है, हम लोगों के लिए मतलब मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मतलब गुरुवार इज माई फेवरेट डे, क्योंकि वो बाबा का भी फेवरेट डे हुआ करता था। तो ये अब थर्सडे के थोड़े मतलब जो थर्सडे था उसके एक दो दिन पहले ये ऐसे सारे सभी हम लोगों की बातें चल रही थी, मतलब अबाउट यूट्यूब चैनल, अबाउट पंकज इंटर्नशिप एंड ऑल दैट वगैरह, तो ऐसे सारा सब चल रहा था। तो ना बहुत बार ऐसे मुझे इंट्यूशंस आ जाते हैं, पता चलता है कि शायद प्रॉपरली सारा सब कुछ होने वाला है, सही होने वाला है ये वो। और आप जैसे ही जानते हैं कि मेरे पास मेरी डायरी है जिसमें मैं
हर एक मैंने एक्सपीरियंस वगैरह अब तक मेरे साथ जितने हुए वो सारे सभी मैंने लिख के रखे हुए हैं। तो मैं वेट कर रही थी क्योंकि जब भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस मतलब होने वाला होता है या मतलब मुझे ऐसे थोड़ा पता चलने चलता है या फिर यू नो एक्सपीरियंस आने वाला होता है तो मतलब मैं ऐसे वेट करती हूँ कि अरे कब मुझे मौका मिलेगा एक्सपीरियंस लिखने का ये वो ऐसे वैसे। तो मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी पर मैंने बोला नहीं आधी अधूरी बात नहीं लिखूंगी मैं, जब वो प्रॉपरली सारा सब कुछ हो जाएगा तो फिर हम तभी देखेंगे। तो तभी जो है वो बात मैंने बाबा से मांगी थी कि देखिए बाबा थोड़ा सा टेंशन चल रहा है सारा सब कुछ यू नो ऐसी ऐसी बात है मेरा तो ठीक है मुझे आप पे विश्वास है बट वहाँ पे थोड़ा सा लोनली भी फील कर रहे हैं वगैरह और थोड़ा मतलब है। और अगर आप जानते होंगे तो हांगकांग में उस टाइम पे प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहा था तो सिचुएशन हर जगह से मतलब चारों तरफ से इतनी कोई ठीक नहीं थी, ठीक ठाक ही जो भी था सारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो इंटर्नशिप की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे होगा क्या। और फिर आप बिलीव नहीं करेंगे तो फिर थर्सडे था, मैंने अभी जस्ट देखा डायरी में, इट वॉज 17th of October 2019 ठीक है। तो उस दिन भी चतुर्थी और थर्सडे ये दोनों था और उसी रात जो है हाँ, तो उसके पहले एक्सपीरियंस और डायरी लिखने से पहले मैंने बाबा को मांगा कि बाबा अगर सही में आप देने वाले कुछ होने वाला है तो जल्दी से प्लीज कर दीजिए, ऐसे मतलब तड़पाइए मत वगैरह, अभी थोड़ा सा पेशेंस कम होने लग गया है, नहीं हुआ तो भी चलेगा बट फिर भी मतलब मैं आपसे प्रे कर रही हूँ और मैं मेरी डायरी में जो है ये एक्सपीरियंस लिखना चाहती हूँ और मैं ये तभी लिखूंगी जब एक्चुअल में जो है सारा सब कुछ हो जाएगा कन्फर्म हो जाएगा वगैरह, तो मैं उस टाइम पे जो है वो डायरी लिख दूंगी। और उसी टाइम पे जो है थर्सडे को रात तक के अचानक फिर मेरे हस्बैंड का मतलब एज यूजुअली वो फोन करते थे तो फिर फोन आया उनका बट उस दिन थोड़ा जल्दी आया और फिर उन्होंने जो है वो ये गुड न्यूज बताने के लिए फोन करा था कि जिनको उन्होंने कनेक्ट करा था जहां वो कब से काम रुका हुआ था सारा सब कुछ ये हो रहा था। तो बात ये है कि मतलब वहां से अचानक से जो है वो मैनेजर से मतलब उनका फोन वगैरह कॉल वगैरह आ गया और उन्होंने बोला अरे हमने आपकी प्रोफाइल वगैरह सारा सब कुछ देखा है तो आप अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं है, आपने तो जल्दी से ज्वाइन करना चाहिए। एक्चुअली बात यहाँ तक की अटकी थी और फिर वो आगे तक गई नहीं थी और जैसे ही यहाँ तक के पहुंची तो फिर सारा सब कुछ क्लियर हो गया। तो ऐसी वो बात थी तो फिर कुछ नहीं, जैसे ही ये बात पता चली जैसे ही ये सारा सब कुछ हो गया तो सारे सभी एकदम खुश हो गए और फिर मेरे दिमाग में बस वो एक ही बात आई एंड आई फेल्ट लाइक कि बाबा ने मेरी सुन ली, इट इज डेफिनेटली अ मिरेकल बिकॉज मैंने बाबा को बोला था कि बाबा अगर दिलाना है जो भी है सही है तो मतलब जल्दी से अभी कर दीजिए, अभी वेट नहीं हो रहा है वगैरह। और ये एक्सपीरियंस मैं तभी लिखूंगी डायरी में जब यू नो सारा सब कुछ प्रॉपरली हो जाएगा कन्फर्म हो जाएगा और फिर देन आई विल बी हैप्पी टू राइट ऑल द एक्सपीरियंसेस इन द डायरी। तो फिर बस यही चीज हुई और फिर मुझे लगता है कि जो मैंने यूट्यूब चैनल की भी बात करी ना उसके बाद भी मतलब मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग आया कि दिस वॉज अगेन द अनदर इंडिकेशन फ्रॉम बाबा दैट जो तुम करने जा रही हो या करने वाली हो वगैरह ये एकदम बिल्कुल सही काम है, मैं ऐसे ही चाहता हूँ तो तुम डेफिनेटली अपना चैनल स्टार्ट करो वगैरह। वैसे दो इंडिकेशन मतलब दो खुशखबरियां जो है मतलब हमें मिल गई थी तो बस वही सोच के मैंने फटाफट जो है फिर बाद में उसके बाद एक्सपीरियंस लिख लिया था। तो ऐसी है बाबा की लीला। तो यहाँ पे मैं बस इतना ही बताना चाहती हूँ, काफी टाइम जो है हम लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, आज भी मुझे आप सारे सभी डिवोटीज पूछते रहते हैं कि दीदी क्या करें हम, हमने व्रत कर लिया ये कर लिया वो कर लिया अब कैसे होगा, बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत टेंशन चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चीजें हो नहीं रही है, बाबा सुन नहीं रहे हैं क्या। तो मैं वही बोल रही हूँ और हर टाइम मैं बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी वाला जो वीडियो है मैंने इसीलिए ही आप लोगों के साथ शेयर करा है ताकि आप इंस्पायर हो और मोटिवेट हो और ये बताने के लिए कि हर बार हम भले ही कितने ही मन से जो भी सारा सब कुछ करते हैं हम करते हैं बट कुछ कुछ चीजें जो है वो बाबा के भी हाथ में नहीं होती, बट दैट डजंट मीन दैट बाबा इज नॉट लिसनिंग टू यू, ही इज डेफिनेटली लिसनिंग टू योर प्रेयर्स बट वो मतलब अभी देखिए कुछ कुछ हम लोगों के ना मतलब ये भी होते हैं जैसे पास्ट लाइफ के कुछ हम लोगों ने पाप किए होते हैं ऐसा मतलब साई सच्चरित्र में लिखा हुआ है स्टोरीज में। तो ऐसी सारी सभी चीजें भी होती है कि जिसके लिए हमें जो है हमने जो कर्म किए हैं वगैरह वो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। तो जो भी है जैसे बाबा कष्ट दे रहे हैं तो आगे जाके कुछ दिनों में जो है वो आपके सारे सभी कष्ट दूर भी करेंगे, हमारे तरफ से हमने जितना कर्तव्य हो सकता है वो डेफिनेटली करना चाहिए। वही है मैं बोलती हूँ फेथ और बिलीफ आप बिल्कुल भी मत छोड़िए, इट इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बाबा टेस्ट्स यू तो उस पे ना आप फर्म फर्म फर्म
खड़े रहिए, मतलब विश्वास रखिए, सारा सब कुछ सही होता है, ठीक होता है। कुछ कुछ आपको ऐसे लगता होगा, कुछ और भी डिवोटीज बोलते हैं कि दीदी आप बहुत लकी हो कि आपने कुछ बोला ये वो और फिर बाबा ने सुन ली। तो मैंने एक्सपीरियंसेस इसलिए लिखे क्योंकि जो मतलब मैंने मांगा है वो हुआ है, बट जो नहीं हुआ है वो तो मैंने मतलब वहां पे लिखा नहीं है, और मतलब मैं वो आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं करती। तो ऐसा नहीं है हर बार ही मैं कुछ मांगू और सारा सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो मैं भी मतलब काफी बार कब मन होता है तो बाबा को बोलती बाबा दर्शन दीजिए, सपने में आइए, ये करिए वो करिए, कुछ तो करिए, बट ऐसा नहीं होता है। बाबा वैसे दर्शन नहीं देते, बाबा को जब लगता है, जब उनका मन करता है वो आ जाते हैं, दर्शन देते हैं अचानक से ही, ऐसे कभी भी कोई भी दिन ये चीज हो सकती है। तो आप भी वेट करिए, आप लोगों के साथ भी ये चीज होगी, डेफिनेटली होगी, बस नहीं पता है मतलब कब होगी क्या होगी। बट इसकी वजह से आप नाराज मत होइए, अपसेट मत होइए, फेथ मत खोइए बाबा पे, और बस अपना कर्तव्य करते रहिए, सारा सब कुछ जो है वो सही से हो ही जाता है फाइनल में, ठीक है। तो चलिए, बहुत टाइम ले लिया, हमेशा मेरी वीडियो बहुत ही लंबी बन जाती है, उसके लिए आई एम रियली सो सॉरी। आई विल ट्राई टू यू नो, हमेशा मैं अभी थोड़ा इंप्रूव कर रही हूँ कि उसको कम करूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे विद अ न्यू एक्सपीरियंस, और सैटरडे का वेट करिए, 10 की स्टोरी आने वाली है। चलिए खुश रहिए सारे सभी, ओम साई राम।